नमस्कार, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। दान करना पुण्य का काम है, पर दान करके चुनावी रंग देना नेताओं की फितरत। जी हाँ, यूपी चुनाव सर पर है, ऐसे में नेताओं की नेतागिरी भी सामने आने लगती है। ठीक ऐसे ही एक मुस्लिम नेता ने मंदिर में दान किया। दान तो किया, पर इस दान से हिंदू संगठन काफी गुस्से में है। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का, जहाँ एक बड़े प्राचीन मंदिर में मुस्लिम नेता की तरफ से दान किया गया, वो भी एक वाटर कूलर। इसके साथ ही दीवार पर अपना नाम दानदाता के रूप में लिखवा कर शिला पट्टिका भी लगवा दी गई। ये सब देखकर हिंदूवादी संगठनों के लोग भड़क गए और उन्होंने शिला पट्टिका को तोड़ डाला, सब कुछ तबाह कर डाला। उनका कहना था कि किसी भी स्थिति में मंदिर के अंदर किसी मुस्लिम नाम को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आप ये वीडियो देखिए, जहाँ कुछ शख्स मिलकर नाम पट्टी पर हथौड़ा चला रहे हैं। बता दें कि इस नाम पट्टी पर जिसका नाम लिखा है वो सपा नेता सलमान शाहिद है। उन्होंने हाल ही में लोधा थाना क्षेत्र में स्थित प्राचीन सिद्धपीठ खेरेश्वर धाम में एक वाटर कूलर दान किया। इस दौरान तमाम लोग भी मौजूद थे। वाटर कूलर दान देने के बाद दीवार पर वहीं सलमान शाहिद के नाम की और समाजवादी नेताओं के नाम की शिला पट्टिका लगवा दी गई, ताकि आने जाने वाले लोग देख सकें। अब इसे सस्ती लोकप्रियता कहें या फिर नौटंकी, यह आप डिसाइड कीजिए। खैर, शिला पट्टिका पर क्या लिखा था वो भी आपको बता देते हैं। शिला पट्टिका पर बड़े अक्षरों में लिखा गया, माननीय अखिलेश यादव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष की प्रेरणा से माननीय श्री जफर आलम साहब एवं ठाकुर सत्यपाल सिंह अध्यक्ष खेरेश्वर महादेव मंदिर समिति के मार्गदर्शन में श्री खेरेश्वर महादेव मंदिर हरदासपुर में आरओ वाटर कूलर का लोकार्पण स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के कर कमलों द्वारा 28/6/2021 को किया गया। आरओ वाटर कूलर की स्थापना सलमान शाहिद प्रदेश कोषाध्यक्ष समाजवादी युवक जनसभा द्वारा कराई गई। इसके साथ में तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं का नाम लिखा गया था, जिसको देखकर हिंदूवादी संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने बुधवार को खेरेश्वर धाम मंदिर में शिला पट्टिका को तोड़ दिया। इस मामले में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सह मंत्री करण चौधरी ने बताया कि यहाँ पहले भी प्याव लगा हुआ था, किसने दान किया पहले नाम नहीं लिखा था, आज ये किसी मुस्लिम व्यक्ति ने दान कर दिया तो उन्होंने यहाँ पर बहुत बड़ा बोर्ड लगा दिया, जो हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार गलत है। मैं कहता हूँ, हमारे हिंदुओं की बहुत बड़ी गलती है कि हम मंदिर में मुसलमानों को आमंत्रित करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे मंदिरों में घुस रहे हैं। इसी तरीके से मैं प्याऊ लगाने को तैयार हूँ, मस्जिदों में मुसलमान लगवाए तो सही। उन्होंने 10,000 का वाटर कूलर दान किया है, मैं 20,000 का वाटर कूलर लगवाने को तैयार हूँ। मस्जिदों पर भगवा झंडी लगवाए तो सही, इस तरह की हरकत कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और अब ये मामला सियासी रंग भी लेने लगा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष मुकेश लोधी ने कहा कि अलीगढ़ जिले के अंदर समाजवादी पार्टी के मुस्लिम समाज के लोगों ने एक वाटर कूलर लगाकर और अपनी नाम पट्टिका लगाकर अपनी मानसिकता का साफ परिचय दिया है। विधानसभा के चुनाव को देखते हुए जिस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, हम इनके मकसद में कामयाब नहीं होने देंगे। वहीं समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक यादव ने कहा कि हिंदुस्तान की संस्कृति है, या हिंदू मुसलमान सब एक होकर रहते हैं। मेरे लिए गर्व की बात है कि एक हिंदू धर्म स्थान पर किसी मुसलमान ने पीने के पानी का इंतजाम करवाया। सदियों से हमारे बुजुर्गों ने तालाब खुदवाए, प्याऊ लगवाए, तो ये सोचकर नहीं लगाए कि कोई हिंदू पानी पिएगा या मुसलमान पानी पिएगा, सब लोग पानी पिएंगे। आज जो ये लोग विरोध कर रहे हैं, उनमें ऐसा हौसला होना चाहिए कि वो किसी मस्जिद पर जाकर ठंडे पानी का इंतजाम करें, जिससे संस्कृति को बढ़ावा मिले। ऐसा नहीं है कि पहली बार पत्थर लगा है, जो भी समाज सेवा करता है वो चाहता है कि लोग जानें कि ये किसने किया है। फिलहाल तो ये मामला काफ़ी गर्म है। हिंदू संगठनों के लोग ने जो किया वो कितना सही था, और समाजवादी पार्टी के नेता ने जो किया वो कितना गलत था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। और बने रहिए वीके न्यूज़ के साथ। नमस्कार।